बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के बेटे जूनियर बच्चन यानी कि अभिषेक बच्चन का आज 43वां जन्मदिन है और वो अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ऐसे में इस खास डे पर आइए हम जानते हैं कि उनसे जुड़ी खास बातें जो शायद ही आपको पता हूँ। मैं हूँ शिवा और आप देख रहे हैं द बायोस्कोप इंटरटेनमेंट का एक्स्ट्रा डोज। अभिषेक बच्चन ने 18 साल पहले फिल्म रिफ्यूजी से बॉलीवुड में कदम रखा था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज़्यादा कमाल तो नहीं कर पाई थी, लेकिन क्रिटिक्स ने अभिषेक के किरदारी को काफ़ी सराहा था और एक स्टार किड होने के नाते अभिषेक पर हमेशा से अच्छा काम करते रहने का प्रेशर भी था। फिल्में फ्लॉप हो रही थी लेकिन अभिषेक बच्चन घर पर बैठना नहीं चाहते थे और जो भी प्रोजेक्ट मिले अभिषेक बच्चन ने उसे किया। स्क्रिप्ट पर ध्यान न देने के कारण उनको बहुत ही महंगा पड़ गया और इसी वजह से 4 सालों में 17 फ्लॉप फिल्में दी। साल 2004 में अभिषेक बच्चन ने जब धूम फिल्म की तो ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म के बाद उन्होंने बंटी और बबली, दोस्ताना, ईवा, गुरु जैसी बड़ी सुपरहिट फिल्म देकर ये साबित कर दिया कि वो बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के बेटे हैं। अभिषेक बच्चन के 18 साल के करियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे, उनमें से ज़्यादातर फिल्में उनकी फ्लॉप रही और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी फ्लॉप फिल्मों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब आपकी फिल्में फ्लॉप होती हैं और जब आप नहीं चल पा रहे होते इंडस्ट्री में तो फिर आपका फ़ोन उठाना लोग बंद कर देते हैं, फिर चाहे आप किसी बड़े एक्टर के बेटे हों या बेटी हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्लॉप होना दुनिया की सबसे खराब फीलिंग है जो आपको एक इंसान के तौर पर ख़त्म कर देती है। इससे ये पता चलता है कि अभिषेक बच्चन को इस फीलिंग से कितनी बार गुजरना पड़ा होगा। बचपन में अभिषेक बच्चन डायलेक्सिया नाम की बीमारी से पीड़ित थे। इस बात का खुलासा तब हुआ जब 2007 में आमिर खान ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था तारे जमी पर और वो फिल्म इसी बीमारी पर बेस्ड थी। अभिषेक बच्चन ने अपनी पढ़ाई जमुना बाई स्कूल से की थी। इसके बाद बिजनेस स्टडीज के लिए वो यूएसए के बॉस्टन यूनिवर्सिटी चले गए, लेकिन हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए उन्होंने आधी अधूरी पढ़ाई छोड़कर वापस आ गए और इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की, उसमें से बहुत सारी फिल्में फ्लॉप भी रही शुरुआती दौर में। एक हैरानी वाली बात यह है कि जब अभिषेक बच्चन को फिल्मों में काम नहीं मिल पा रहा था तो उन्होंने एक LIC एजेंट के रूप में भी अपनी किस्मत आजमाई और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तब कायम कर दिया जब पा फिल्म में अमिताभ बच्चन के पिता का रोल यानी कि जूनियर बच्चन ने अपने पिता का रोल फिल्म में निभाया तो इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया। एक्टिंग के अलावा अगर अभिषेक बच्चन की बात करें तो उनको अलग अलग देशों के बोर्डिंग कार्ड इकट्ठा करने का शौक है। और अगर अभिषेक बच्चन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो अमिताभ बच्चन के 60वें जन्मदिन पर उन्होंने करिश्मा कपूर से सगाई की थी, लेकिन 3 महीने बाद इनकी सगाई टूट गई थी। इसके बाद धूम 2 फिल्म के दौरान ऐश्वर्या और अभिषेक नज़दीक आए और उन्होंने फिल्म गुरु में एक साथ काम किया और गुरु फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उन्होंने फैसला कर लिया कि वो एक दूसरे से शादी करेंगे। 20 अप्रैल 2007 को उन्होंने शादी कर ली। तब ऐश्वर्या 33 और अभिषेक 31 साल के थे और अब एक उनकी छोटी सी प्यारी सी बेटी है जो 6 साल की है। तो ये था अभिषेक बच्चन की लाइफ से जुड़े कुछ किस्से जिनको आपको मैंने शेयर किया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द बायोस्कोप।